वृंदावन ब्रह्मांड का सबसे अतुलनीय दिव्य स्थान, जहां 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाओं को संपन्न किया था। यहां संपूर्ण विश्व से भक्तगण भगवान की दिव्य लीला तथा नाम में मग्न होकर अपना शरीर त्याग करने आते हैं। परंतु वहां एक 70 वर्षीय वृद्ध सन्यासी अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये 70 वर्षीय वृद्ध सन्यासी एक मालवाहक जहाज में अमेरिका के लिए निकल पड़े हैं। वे कोई पर्यटक के रूप में नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में एक आध्यात्मिक व सांस्कृतिक क्रांति लाने की उमंग लेकर चल पड़े हैं। वे अपने साथ श्रीमद् भागवतम से भरा एक संदूक, टाइपराइटर, एक छाता और 40 रुपये लेकर निकले हैं, जिन वस्तुओं का अमेरिका में प्रायः कोई मूल्य नहीं है। उनके गुरु का आदेश उनकी एकमात्र प्रेरणा है। विश्व भर में श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो। कई महीनों के कड़े संघर्ष के बाद चमत्कार होने लगा। अमेरिका की दिग्भ्रमित युवा पीढ़ी इन वृद्ध सन्यासी के आध्यात्मिक संदेश के प्रति आकर्षित होने लगी। ये हिप्पी युवा पीढ़ी अब हिप्पी बन रही थी। केवल एक वर्ष के संघर्ष के पश्चात इन सन्यासी ने एक आध्यात्मिक आंदोलन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। वे 12 वर्षों में संपूर्ण पृथ्वी का 14 बार भ्रमण करते हुए लगभग सभी प्रमुख देशों में अपने संस्था के केंद्र स्थापित करते हैं। साथ ही साथ वे अपने सबसे महत्वपूर्ण योगदान पर हमेशा कटिबद्ध रहे और 60 से अधिक ग्रंथों का अनुवाद एवं टीका करके अपनी संस्था को एक सशक्त आधार देते हैं। कि चार प्रकार का पाप छोड़ दो और भगवान की सेवा करो। सेवा माने सब समय भगवान का चिंतन करो, भगवान में भक्ति करो। पैसा है तो भगवान का खूब अच्छी तरह से मंदिर बनाओ, खूब सेवा करो, खूब अच्छी तरह से भोग लगाओ। ये हमारा भारतीय कृष्ण। नशापान, मांसाहार, व्यभिचार और जुआ जैसे जीवन को नष्ट करने वाली आदतों में लिप्त लोग इनके संपर्क में आने से उन आदतों को पूरी तरह से त्यागने लगे और भगवान को केंद्र में रखते हुए पूर्णतया सज्जन पुरुष बन गए। उन्होंने 5000 से अधिक शिष्य को दीक्षा दिया। ये सब अद्भुत कार्य उन्होंने केवल 12 वर्षों में किया। ये महान हस्ती है अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। शास्त्रों में भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आचे यत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी के हर गांव और शहर में कृष्ण के नाम का प्रचार होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक क्रांति लाते हुए अपने योगदान को इतिहास के पन्नों में अंकित किया। जिस क्रांति को श्रील प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया था, उसे अब उनके अनुयायी आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान समय में भारतीय लोग अपनी महान संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य देशों को अनुकरण कर रहे हैं, परंतु इस्कॉन संस्था विश्व भर में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। श्रील प्रभुपाद की कृपा एवं मार्गदर्शन से उनके विश्वस्त अनुयायी उनका आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। वैष्णव जनरेशन ये टूटने वाला नहीं है। हम तो वयोवृद्ध हुआ, अभी 78 वर्ष का, हो सकता कभी भी चला जाऊंगा। बाकी हमारा विश्वास है ये लोग चला जाएंगे, ये उधर नष्ट होने वाला। प्रभुपाद ने 12 वर्षों में 100 से अधिक राधा कृष्ण के मंदिरों की स्थापना की। तदंतर
उनके अनुयायियों ने 500 से अधिक मंदिर एवं सैकड़ों प्रचार केंद्र विश्व के कोने कोने में स्थापित किया। श्रील प्रभुपाद ने वैदिक शास्त्र को भावुक रूप में प्रस्तुत न कर एक वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया। अनेक वैज्ञानिक उनसे आकर्षित होकर उनके शिष्य बने। प्रभुपाद के ग्रंथों का 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद कर 5 करोड़ से अधिक प्रतियां वितरित की है। वैदिक शास्त्रों में अंकित ब्रह्मांड के निर्माण की एक विशाल प्रदर्शनी मायापुर में बन रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी वैदिक प्रदर्शनी टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम के नाम से जानी जाएगी। इस्कॉन के सारे कार्यों का एक अविभाज्य अंग जिसे विश्व का कोई भी व्यक्ति बिना कोई पूर्व योग्यता के स्वीकार कर सकता है और जीवन की परम सफलता को प्राप्त कर सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का कीर्तन एवं श्री कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करना। हम तो अकेले इतना किया है, अगर आप लोग सब आइएगा तो सारा दुनिया वैष्णव हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, सब हिंदुस्तान हो जाएगा। आप लोग तो आते ही नहीं, हम क्या करें। अकेले जहां तक हो रहा है, आप लोग आशीर्वाद कीजिए, आगे और बढ़े। ये आप लोग भारतीय है, इस देश को उद्धार देखिए। तब अफ्रीकन लोग कैसे कीर्तन कर रहे हैं, ये सभी आप लोग, हम परदेश से आदमी ला करके ये नचाते हैं, आप लोग नहीं नचा सकते क्यों? ये हमारी प्रॉब्लम, आप लोग नचाइए, आप लोग ही व्यवस्था है। ये बेचारी परदेशी अमेरिका से यूरोप से ला करके इसको नचाने पड़ेगा हमको, ये आशंका है। ये निवेदन है, इसको ग्रहण कीजिए, इसे काम कीजिए। सेंटर मौजूद है, अच्छी तरह से उसको बनाइए, जैसे शास्त्र में लिखा है उसे काम कीजिए, गुरु बन जाइए, उसको उद्धार। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।